You're watching Exposed India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ कुछ बड़ी और अहम खबर लेके। लेकिन उससे पहले आपको कोरोना पे अपडेट दे दें। जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में 62,000 के पार अब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं मौतों की बात करें तो 2,109 मौत जो है वो कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है, और ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 19,358 तक पहुंच गई है। ऐसे में लॉकडाउन 3.0 है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अगर पिछले 9 दिनों की बात करें तो कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं लॉकडाउन 3.0 में। ऐसे में सरकार की चिंताएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में क्या कुछ अपडेट होगा कोरोना का, आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ, और सबसे पहले बात कर ले मजदूरों की। आपको याद होगा मुंबई के औरंगाबाद में करीब 16 मजदूरों की मौत हो गई थी, मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से इनकी मौत हुई थी। अब मजदूरों को लेकर एक और ऐसी घटना मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रक की चपेट में आने की वजह से 5 मजदूरों की मौत की खबर है। वही 11 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर बताई जा रही है। आपको बता दें ये सभी नरसिंहपुर के 5 गांव से जा रहे थे, तब एक ट्रक अचानक पलट गई जिसकी चपेट में आने की वजह से पैदल चल रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई। फिलहाल जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अग्निशमन विभाग कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार सभी संक्रमित इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहा है। लगभग 40 दिनों से इस कार्य के दौरान फायर ब्रिगेड गाजियाबाद के 2 कोरोना योद्धा कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन उनका मनोबल और जज्बा इतना ऊंचा था कि 4 मई को फायरमैन कालू सिंह संक्रमित होकर साहिबाबाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और 9 मई को नेगेटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें डिस्चार्ज करते हुए फायर स्टेशन वैशाली पहुंचाया गया। इस अवसर पर अग्निशमन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण को 5 दिवस में ही मात देने वाले जाबाज कोरोना योद्धा के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए सराहना की। और इस अवसर पर जिलाधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित होकर उनके जज्बे और मनोबल की सराहना की। इसी कार्य करने के दौरान हमारे 2 कर्मचारी जो है कालू राम और प्रवीण कुमार जो है ये कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, और हमारे कर्मचारियों का मनोबल इतना उच्च कोटि का था कि 5 दिवस के अंदर ही उनका टेस्ट जो है 2 बार लगातार निगेटिव पाया गया, और आज उन्हें जो है अस्पताल से डिस्चार्ज करके होम क्वारंटाइन के लिए फायर स्टेशन पे अभी पहुंचाया गया है। हम अपने सभी कर्मचारियों के मनोबल की और ऐसे उत्कृष्ट और असाधारण कार्य की बहुत बहुत सराहना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने दिल्ली एयरपोर्ट से बांग्लादेश के फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे यूपी के 37 यात्रियों को अपने साथ गाजियाबाद लेकर आई, जिसमें से गाजियाबाद के गौतम बुद्ध नगर के 3 और 28 यात्री उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। इन सभी को गाजियाबाद के एलिट होटल लाया गया है, जहां पर ये सभी यात्री अपने खर्चे पर 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। इसके साथ ही कुछ यात्री प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भी रहेंगे, जिसके बाद इन्हें अपने मूल जनपदों को रवाना किया जाएगा। दरअसल ये सभी यात्री पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में फंसे थे, अभी अपने वतन लौट आए हैं। तो इन भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। इनको 14 डे हमको फिलहाल यहाँ पे रखना है। यहाँ 6 गाजियाबाद प्रॉपर से हैं, 3 हमारे नोएडा से हैं, शेष 28 लोग यूपी से हैं। कुल 35 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं जो ढाका से आए हुए हैं। इनको हम जो 8 मई का मेरा शासनादेश है उसके क्रम में इनको हम यहाँ पे रख रहे हैं। 14 दिन के बाद इनको यहाँ पे इनको होम क्वारंटाइन करेंगे, अगर कोई भी सिम्टम निगेटिव नहीं आता है तो। आगे बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। ग्रीन जोन, जहां पर कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं था उसे ग्रीन जोन में पूरी तरीके से रखा गया था, लेकिन 9 दिन में 8 राज्यों के ग्रीन जिलों में 243 संक्रमित सामने आए हैं, और ये वाकई बहुत ही परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि देश में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें पिछले 9 दिन की, तो पिछले 9 दिन में ग्रीन जोन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, और ग्रीन जोन के इस बढ़ते आंकड़ों से राज्य सरकार की चिंताएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।
दिल्ली में कुछ इलाकों में जैसे ही लॉकडाउन की छूट मिली, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। दिल्ली में ट्रैफिक जो अब शुरू हुआ है और सड़कों पर जैसे जैसे चहलकदमी दिख रही है, दिल्ली एनसीआर की आबो हवा पर इसका असर पड़ चुका है। करीब डेढ़ महीने ग्रीन जोन में रहने वाली हवा फिर से एक बार रेड जोन की तरफ बढ़ चली है। अहम खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.